सिंप्लीफाई 225 टू द पावर 1/3 इंटू 15 टू द पावर 1/3। तो हमें इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो इसमें बोथ के जो एक्सपोनेंट है वो आइडेंटिकल है पावर, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। सिंस ए इंटू बी होल टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। और अब हम इसमें 225 और 15 दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं रफ वर्क में। तो इसको 5 से लेंगे 3 होगा, इसको 5 से लेने से ये 45, अगेन 5 से 9, 3 से तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 15 का हो रहा है 5 इंटू 3 होल टू द पावर 1/3। और इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये होगा 5 टू द पावर 3 और ये होगा 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। और फिर हम इसमें अगेन इस लॉ को यूज करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 3 होल टू द पावर 3 15 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 15 टू द पावर 3 इंटू 1/3। सिंस ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू एन, तो इससे 3 से 3 कैंसिल होगा, सो 15 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।